तो फर्टाइल मोशन से रिलेटेड हम लोग अगला सवाल जो है इसको सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन में कहा गया है अ प्लेन इज इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. जो हम लोग फर्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो जो इंक्लाइन प्लेन है उसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया है, जैसा कि यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं अल्फा का वैल्यू है 30 डिग्री. आगे बताया गया है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड यू इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम बेस ऑफ द प्लेन. मतलब इसको कहा गया है बेस, ठीक है, और यहां से जो है 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है ना, फ्रॉम बेस ऑफ द प्लेन मेकिंग एंगल थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन एज शोन इन फिगर. ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसके रेस्पेक्ट में 15 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसको प्रोजेक्ट किया गया, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है. द डिस्टेंस फ्रॉम बेस एट विच पार्टिकल हिट्स द प्लेन इज क्लोज टू. तो कई बार हमें लगता है कि जो बेस है वो एक्चुअली में ये होना चाहिए और ये प्रोजेक्टाइल जो है ना आगे जाकर के यहां पर कहीं हिट करेगा, ठीक है. तो इसमें एक कन्फ्यूजन का चांस ये बनता था कि यहां से ये बेस अगर मान लिया जाए तो यहां से ये डिस्टेंस पता करना पड़ेगा हमें, ठीक है. लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियरली बताया गया है कि जो पार्टिकल है वो बेस से प्रोजेक्ट किया, मतलब बेस को एक पॉइंट बनाया है, इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है यहां से, है ना. तो यहां से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है तो इसी पॉइंट से उस पॉइंट ऑफ लैंडिंग का डिस्टेंस बताना है. यहां से प्रोजेक्ट किया गया और जहां पर लैंड करेगा उस पॉइंट का डिस्टेंस बताना, यानी कि रेंज बताना है हमें. और रेंज का जो फॉर्मूला है हमें पहले से पता है ना. अगर आपने मेरा थ्योरी देखा हो तो उसमें हमने डिराइव किया था कि अगर किसी इंक्लाइन प्लेन से ऊपर की तरफ प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए, है ना, तो जो रेंज का फॉर्मूला होता है, अगर ये अल्फा माना जाए और यहां से थीटा एंगल पर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया हो यू वेलोसिटी से, तो रेंज अलोंग इंक्लाइन प्लेन हम लोग ये फाइंड करते हैं आर, और आर का जो वैल्यू होता है वो आता है यहां पर 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय जो है जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है. ये फॉर्मूला है. अब इस फॉर्मूले में हम लोगों को वैल्यू सब्स्टिट करना है क्योंकि इस क्वेश्चन में सारे वैल्यू दिए गए हैं. यू का वैल्यू दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड, अल्फा दिया गया है 30 डिग्री, थीटा दिया गया है 15 डिग्री. तो रखते हैं इसमें 2, यू का वैल्यू भी 2 दिया है तो 2 स्क्वायर, थीटा जो है 15 डिग्री है तो साइन 15 डिग्री इंटू कॉस थीटा 15 है और अल्फा 30 है, तो ये टोटल जो है वो 45 हो जाएगा. मैं 45 लिख देता हूँ यहाँ पर, डिवाइडेड बाई जी यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर अल्फा है तो कॉस अल्फा यानी कि 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री आएगा. अब यहाँ पर सारे वैल्यूज हमें पता है, केवल साइन 15 डिग्री की वैल्यू जो है अलग से फाइंड करना पड़ेगा. तो जैसे साइन 15 डिग्री है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. तो साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आएगा साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30, है ना. तो साइन 45 1 बाय रूट 2 होता है, कॉस 30 होता है रूट 3 बाय 2 माइनस कॉस 45 1 बाय रूट 2 और साइन 30 1 बाय 2. तो ये वैल्यू आया रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2. तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू यहां से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो देखते हैं कि रेंज का जो वैल्यू है वो क्या आता है. तो ये देखेंगे कि ये जो है ये तो हो गया टोटल 8, है ना, 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8. साइन 15 डिग्री का वैल्यू मैं यहां से रखूंगा रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 इंटू कॉस 45 डिग्री होता है 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू कॉस 30 डिग्री होता है रूट 3 बाई 2 लेकिन उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3 बाई 4, ठीक.
तो देखेंगे ये 2√2 इंटू रूट 2, ये नीचे वाला जो है ये आ जाएगा 4, और एक यहां भी 4 है, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया है ना। तो अब बचेगा ऊपर, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, इधर 4 और नीचे 5, तो अल्टीमेटली आएगा 4√3 − 1/15, ये आएगा। इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो करीब ये आता है 0.1952 ऐसे, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग जो है इतना मीटर में है, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 0.2 मीटर कह सकता हूँ या 20 सेंटीमीटर कह सकता हूँ, है ना। तो इस क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन दिए गए थे उसमें एक 20 सेंटीमीटर का ऑप्शन दिया गया था, और ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन आएगा।